हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 17, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। इससे पहले हम लोगों ने देखा गाइस, हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, और अब हम देख रहे हैं फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, यानी वाटर और फॉरेस्ट हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हम ये इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे देखो, मैं आपको बता दूँ, 5 स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, अगर इंडिया में हम देखें तो 5 वो स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं फॉरेस्ट में, तो उसमें हमारा सबसे पहले आ जाएगा मिजोरम, जिसके पास लगभग 85% है, मतलब 85% लगभग है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 79% है। उसके बाद मेघालय आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है। मैं आपको थोड़ा बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ गाइस, आप लोगों को अपनी जो पीडीएफ है, अपना जो सिलेबस है, उसके अलावा भी थोड़ी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम कहें कि हमें बिगेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया में कौन कौन सा है, तो जिसमें सुंदरबन के, लगभग बच्चों को पता होगा कि सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न स्टेट है हमारा, ये वेस्ट बंगाल, वहाँ पे है सुंदरबन, तो ये बिगेस्ट फॉरेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारा गिर फॉरेस्ट आ जाएगा, जो कि गुजरात में है। गिर फॉरेस्ट सबको पता होगा, जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है। हमारा गिर फॉरेस्ट आ जाएगा जो कि गुजरात में है, ये बहुत फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्पॉट द एशियाटिक लॉयन। उसके बाद हमारा खासी हिल्स आ जाएगा, जो मेघालय में है। उसके बाद हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाएगा, जो उत्तराखंड में है। और अगर हम बता दें कि सबसे कम परसेंटेज मतलब फॉरेस्ट किस स्टेट के पास है, तो वो है हरियाणा, जिसके पास लोएस्ट फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मात्र लगभग 7% फॉरेस्ट है इसके पास। तो हमने थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, और आपको अभी आगे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके पीडीएफ में। और फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि वाटर था। तो अब हम अपना देखते हैं। वन इवनिंग बूजू इंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन, किसी बड़े के साथ बूजू एक दिन पार्क में जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स, और इंट्रोड्यूस करवाता है अपने फ्रेंड से। प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अहमद जो थे वो साइंटिस्ट थे और एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रोफेसर अहमद सेट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर, बच्चे खेल रहे थे लेकिन प्रोफेसर अहमद जो थे वो एक साइड में जाकर के कॉर्नर में बैठ जाते हैं एक बेंच पे। ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थके थे, एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इन द टाउन, वो जो है इस वजह से थके थे प्रोफेसर अहमद, क्योंकि वो गोल्डन जुबली में गए थे, एक सेलिब्रेशन था उनके जहाँ पे, जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे। गोल्डन जुबली क्या होता है, जो कि 50 ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर यही सिल्वर जुबली होता गाइस, तो वो क्या होता, जो कि 25 ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में क्या हुआ, आफ्टर अ वॉइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम, प्रोफेसर अहमद के पास बच्चे बैठते हैं। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन, और बच्चे जानना चाह रहे थे कि सेलिब्रेशन में क्या क्या हुआ। प्रोफेसर अहमद बताते हैं, टोल देम दैट द आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम जब हो गया, उसके बाद जो है सीनियर पीपल डिस्कस कर रहे थे द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो सीनियर पीपल थे वो जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, उसको वो लोग डिस्कस कर रहे थे। अ प्लान वॉज प्रपोज्ड टू पुट अप अ फैक्ट्री बाई क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन, तो मतलब लोग ये डिस्कस कर रहे थे कुछ सीनियर पीपल कि टाउन के बाहर जो है एक फॉरेस्ट को क्लीन कर करके एक वहाँ पे एक प्रपोजल रखा जाएगा, एक फैक्ट्री बनाई जाएगी। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टोटल ऑफ अ चांस टू गेट जॉब्स, और जब वो फैक्ट्री वहाँ पे बनाई जाएगी तो लोगों को वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे ना कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बोल रहे थे, मतलब कुछ लोग इसका अपोज कर रहे थे, तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं कि प्रोफेसर अहमद जो है, मतलब प्रोफेसर अहमद जब बताते हैं कि कुछ लोग अपोज कर रहे थे, तो चिल्ड्रन सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो टोल्ड देम दैट मेनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू द दिस आइडिया, अभी मैंने बताया कि इस आइडिया पे जो वो फॉरेस्ट को काटने की बात हो रही थी, तो जो है बहुत लोग इसका अपोज करते हैं, तो बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं सुनकर के कि क्यों अपोज करते हैं। तो प्रोफेसर अहमद जो है वो समझ जाते हैं कि बच्चों को फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है,
तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं, दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व्स एज अ ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि ये इस वजह से, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट है वो ग्रीन लंग्स की तरह होते हैं, यानी जैसे हमारी बॉडी में लंग्स इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही हमारे अर्थ के लिए लंग्स है, ये हमारे फॉरेस्ट जो होते हैं वो लंग्स होते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं और वो अपने जड़ों के थ्रू, अपनी पत्तियों के थ्रू वाटर को भी प्योरीफाई करते हैं, हमारे नेचर को प्योरीफाई करते हैं, इस वजह से फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को, द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज्ड, और चिल्ड्रन जो है कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, चिल्ड्रन को समझ में नहीं आता है बहुत ज़्यादा। तो प्रोफेसर अहमद जो है रियलाइज़ करते हैं दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट, चिल्ड्रन जो है वो फॉरेस्ट नहीं गए हैं, ऐसा प्रोफेसर अहमद को लगता है। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, बच्चे भी जानना चाहते हैं फॉरेस्ट के बारे में, सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। वो बच्चे जो हैं वो फॉरेस्ट विजिट करना चाहते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ, तो वो जाते हैं विजिट अ फॉरेस्ट। एक संडे मॉर्निंग में द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ और हैंड लेंस लेते हैं, स्टिक लेते हैं, नोटबुक लेते हैं, और वो जाते हैं एक साथ फॉरेस्ट में जो कि उनके गांव के पास होता है। ऑन देयर वे दे मीट तिबू, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप, उनके एज ग्रुप का एक तिबू बॉय वहाँ पे मिलता है, ऑफ नियर बाई विलेज, जो कि पास के गांव का होता है, वो क्या करने जा रहा होता है, हु वॉज टेकिंग कैटल ऑफ ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज आंट, वो अपनी आंट के साथ गाय बकरियों भेड़ों जो होते हैं ना, इन सबको चराने के लिए ले जा रहा था। तो क्या होता है, ही वॉज वेरी एजाइल रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर, और वो इधर से उधर भाग रहा था कि सारे वो जो भेड़ बकरी थे वो एक साथ रहें। वेन ही सॉ द चिल्ड्रन, जब वो बच्चों को देखता है, तिबू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम, तिबू भी उन बच्चों के साथ चलना शुरू कर देता है। वाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पैथ, और उनकी आंट जो है वो भी चल रही होती हैं डिफरेंट पैथ पे। एज सून एज दे इंटर द फॉरेस्ट, तिबू रेज हिज हैंड एंड सिग्नल देम टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज को डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। अब जो तीबू होता है वो हमेशा आता जाता रहता था फॉरेस्ट में, उसको पता था और वो सिग्नल देता है इन लोगों, इन बच्चों को, कि वो लोग ज़्यादा शोर ना करें क्योंकि इससे जो जंगल में एनिमल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ अ फॉरेस्ट, वो तिबू जो है उन बच्चों को एक ऊंचाई पे ले जाता है और वहाँ से वो व्यू दिखाता है, एक ब्रॉडली व्यू दिखाता है जहाँ से पूरा फॉरेस्ट दिखता है। तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, चिल्ड्रन वो सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड, वो बिल्कुल भी ज़मीन ही नहीं देख रहे होते हैं क्योंकि ऊपर से अभी आप देखो तो जंगल ही जंगल दिखता है ना, तो ज़मीन नहीं दिखती, लैंड नहीं दिखता, इस वजह से बच्चे कन्फ्यूज थे। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड, और उस लैंड के ऊपर सिर्फ ग्रीनरी ही दिख रही थी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब टॉप्स थे, किसी कोई लंबा पेड़ था, कोई छोटा ऐसे। हाउएवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली वो ग्रीन। अभी आगे हम देखेंगे, द इन्वायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। अब बच्चे इतना खुश होते हैं मतलब देख करके, वो चिल्ड्रन को क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, मतलब इतना क्लीन, इतना पीसफुल इन्वायरमेंट देखते हैं और हल्की हल्की हवा चल रही होती है, ये बच्चों को बहुत खुशी देती है और बच्चे खुश हो जाते हैं इतने फ्रेश एयर को देख करके। तो क्या होता है, वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग अ सडन साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और बच्चे जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं सुन करके कि कहीं चिड़िया बोल रही है। अभी जंगल में आप जाओ या फिर अभी ऐसे ही देखो जहाँ आपके आसपास कोई चार छः पेड़ जहाँ आसपास हो वहाँ पे चिड़िया कैसे होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ आते रहते हैं। तो तिबू क्या बताता है, तिबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिनन हियर, ये नॉर्मल फिनोमिनन है यहाँ का, आप लोग रिलैक्स रहो। तिबू ऐसे उन बच्चों को समझाता है, रिलैक्स रहो, ये इस जंगल का, इस फॉरेस्ट का नॉर्मल फिनोमिनन है। उसके बाद बिकॉज ऑफ द दिस चिल्ड्रन वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, इस वजह से बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ब्ड हायर अपॉन द ट्रीज व्हाइल दे डिस्टर्ब द बर्ड्स, कुछ जो होते हैं मंकी वो ऊपर जाते हैं और बर्ड को डिस्टर्ब करते हैं। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स, जो मंकी इधर से उधर भाग रहे होते हैं ये एनिमल्स एक दूसरे को सिग्नल भी देते हैं और वो अलर्ट करते हैं कि जंगल में कोई आ गया, अलर्ट हो जाओ, मतलब एनिमल्स में भी सिग्नल चलते हैं कि अब वो भी बताते हैं ऊपर जाकर के कि अरे कोई आ गया, वो एक तरह से
एक तरह से सिग्नल देते हैं। तिबू ऑल्सो टोल्ड दैट मेनी अदर एनिमल्स लाइक बोवा बाइसन जैकॉल और पार्कोपाइन एलिफेंट लिव इन द डीपर एरिया ऑफ दिस फॉरेस्ट। मतलब कि जो अभी और घने जंगल में आप जाओगे, अंदर की तरफ जंगल में जाओगे, तो वहाँ पे और भी मतलब ख़तरनाक जानवर आप कह सकते हो वो सारे अंदर रहते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो आपको मंकी और बर्ड यही वही दिख रहे हैं। तो पॉर्क्यूपाइन आप लोगों ने मे भी ना सुना हो, एलिफेंट और ये सब तो जैकॉल ये सब तो नॉर्मल है, पॉर्क्यूपाइन आप देखोगे वो भी एक जंगली जानवर का इमेज देख लीजिएगा। प्रोफेसर अहमद कौशन और प्रोफेसर अहमद बच्चों को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप जंगल में नहीं जाना है। और उसके बाद क्या होता है कि बूझो और पहली रिमेंबर दैट दे हैड ऑलरेडी, मतलब उन लोगों ने पढ़ रखा है, दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लासिक्स में आप लोग तो पढ़ ही रखे हो, बस याद नहीं रहता आप लोगों को। दे कुड नाउ सी हाउ फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बहुत सारे एनिमल और प्लांट के लिए कैसे जो है फॉरेस्ट घर का काम करता है, ये देखो कितना नेचुरल पिक है, ये बहुत ही रिलैक्स लगता है जब ऐसे पिक को देखो, आंखों को कितनी ज़्यादा सूदिंग लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे पिक को देखने। तो बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है जंगल, ठीक है। उसके आगे क्या है, अब कुछ आपको ये कुछ पेड़ हैं, कुछ ट्रीज़ हैं जिनको आपको पहचानना चाहिए, कितना नेचुरल व्यू है। नीम है, नीम तो आई होप आप लोगों ने देखा ही होगा, सीसम है, सेमल है, और इधर ये बैम्बू है। बैम्बू जहाँ पे भी आप लोग देखते हो एक साथ कितने सारे बैम्बू दिखते हैं। तो जंगल भी ये सारी चीज़ें भी होती हैं, नीम, शीशम, बैम्बू, बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नीम और एक हमारी रेमेडी में बहुत सारे यूज़ में आता है, नीम की पत्तियों से लेकर उसकी जड़ों से लेकर हर चीज़ हमारे मेडिसिन में काम आते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होते हैं, किसी से हमें गम्स मिलते हैं, किसी से हमें मेडिसिन मिलते हैं, कोई किसी से हम फर्नीचर बनाते हैं, तो प्लांट्स बहुत सारी चीज़ें हमें देता है। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मेनी ट्रीज। वहाँ पे जब बच्चे टहल रहे होते हैं वहाँ पे जो प्लांट कवर होता है वहाँ पे बहुत सारे तरह के ट्रीज होते हैं। टीबू जो होता है वो टीबू हेल्प करता है देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश और खैर, आमला, बैम्बू और ये सारे प्लांट्स जो होता है, ये सारे ट्रीज होता है वो आइडेंटिफाई करवाता है, जो टीबू होता है वो पहचान रहा होता है। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सिवरल अदर ट्रीज ऑल्सो। यहाँ पे बहुत तरह के ट्रीज होते हैं, शर्ब्स होता है, हर्ब्स होता है एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। हर्ब्स ऑफ सभी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कैसे, एक होता है जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता जैसे लाइक घास टाइप का, फिर उससे बड़ा लाइक गुलाब और रोज़, मतलब रोज़ गुलाब तो एक ही हो गया, जो ऐसे फूल उल के होते हैं हर्ब्स ऑफ्स, अभी क्लाइंबर क्रीपर, अभी आगे आप बहुत सारी चीज़ों को आप लोग देखोगे। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अभी मैंने कहा था कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स देखोगे, क्रीपर्स क्या होता है जो कि ऐसे ज़मीन पे ऐसे बिखरा होता है, लाइक अभी आप देखोगे कद्दू के पेड़ को कभी देखोगे और या फिर आप तरबूज देखोगे, और क्लाइंबर होता है जैसे मनी प्लांट हो गया, ककंबर का हो गया पौधा, तो क्लाइंबर यानी जो ऊपर चढ़ जाए ऐसे दूसरे पेड़ का सहारा लेकर वो क्लाइंबर हो गया, और क्रीपर जो ज़मीन पर ही ऐसे चलता रहे, मतलब क्रीपर वाकई नहीं चलता ऐसे, मतलब पेड़ जो होता है वो पौधा जो होता है वो ऐसे ज़मीन पे बिखरता जाता है। द सन वॉज बियरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। अब जब इतने सारे पेड़ होंगे, पेड़ के नीचे भी हर्ब्स शर्ब्स ऐसे इतने सारे होंगे, तो जो सन की रोशनी होगी वो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर दिखेगी, और एकदम फॉरेस्ट जो होता है घना जंगल जिसको कहते हैं वो दिखता है। अब आपको 17.1 में एक एक्टिविटी करना है, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज। आपको अब एक लिस्ट बनाना है जो भी सामान आप अपने घर में देख रहे हो जो कि आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर लकड़ियों से या फिर फॉरेस्ट से जिस जो जो भी चीज़ आपके घर में बना है उसकी आप एक लिस्ट बनाओगे। यू माइट हैव मेनी वुडन आइटम्स इन योर होम। तुम्हारे घर पे ज़रूर से आप लोगों के घर पे कोई ना कोई क्या लगभग ही वुडन आइटम्स होते हैं, उसमें प्लाईवुड हो गया, फ्यूल हो गया, फ्यूल वुड हो गया, बॉक्सेस, पेपर, मैस्टिक्स और बहुत सारे फर्नीचर, सोफ़ा, बेड, ये वो सब जो हैं वुडन आइटम्स ही होते हैं। डू यू नो दैट गम्स, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर एंड एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, अभी मैंने बताया नीम कैसे यूज़ होता है, और ऑल्सो सम ऑफ द
प्रोडक्ट्स जो होते हैं विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम फॉरेस्ट से पाते हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं हम फॉरेस्ट से पाते हैं, और बहुत सारे मेडिसिन वाला भी मैंने बताया, और तेल हो गया, गम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट से पाते हैं, फल फ्रूट्स ये सब तो पूछो ही मत। अरे फल फ्रूट्स एक ही बात हो गई। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, अब आपको उसको अभी एक टेबल आपको दिया जाएगा उसमें फिल करना है, और आपको एक एग्जाम्पल उसमें दिया गया है। अब शीला जो है, शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज, अब शीला सोचती है कि कौन लगाता होगा इतना सारा पेड़ पौधे जंगल। तो प्रोफेसर अहमद उनको रिप्लाई करते हैं दैट इन नेचर ट्रीज रिप्रोड्यूस इनफ सीड, जो नेचर में जो है वो ट्रीज जो होते हैं वो इनफ सीड प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद क्या होता है द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप द सीडलिंग्स। अब जब पेड़ है सपोज कोई, अब उससे जब सीड होंगे, जंगल में कोई वहाँ जा तो रहा नहीं है, तो वो जो सीड अपने आप अगर गिर जाएंगे ज़मीन पे और उन्हें उस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी कि पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगी और मिनरल्स मिलेंगे जो अर्थ से लेते हैं हमारे प्लांट ग्रो करने में, तो क्या होगा, तो वो अपने आप नया प्लांट उगाएगा। तो जो प्रोफेसर हैं वो इनको बच्चों को, शीला को यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि वो फेवरेबल कंडीशन पाने पे अपने आप वो प्लांट जो होते हैं, वो बीज जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है। हमें प्लांट से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, सीलिंग वैक्स है, गम है, वुडन स्टैचू, देखो बच्चों के कितने सारे खिलौने जो होते हैं वो बनते हैं प्लांट की, मतलब लकड़ियों से ही बनते हैं। हनी भी हमें मिलता है, हनी निकालने वाले आते हैं ना, देखते हो आप लोग कितना डेंजरस होता है वो निकालना। एंड सैपलिंग्स, और आप लोगों ने देखा होगा सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, और जब वो सीड्स गिरते हैं उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फिर वो भी ट्री बन जाते हैं। तो ऐसे ही जंगल जो होता है, कोई लगाता नहीं है, जंगल ऑटोमेटिक मतलब अपने आप ऐसे ग्रो करते रहते हैं और पेड़ और जो है सीड्स ऐसे गिरते रहते हैं। ही एडेड दैट जो ब्रांची होता है पार्ट ऑफ अ ट्रीज अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। अब क्राउन आप लोगों ने सुना ही होगा कि रानी क्राउन लगाती हैं, तो ऐसे जो ऊपर का पार्ट है डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है ना, किसी का सर्कुलर होगा, किसी का ऐसे ट्रायंगुलर होगा, किसी का किसी तरीके से होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का जो होता है पेड़ के जो ऊपर का पार्ट होता है टॉप पार्ट होता है ये क्राउन होता है। अभी इसको क्या कहते हैं हम आगे देखेंगे। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांची ऑफ द टॉल ट्री लुक लाइक अ रूफ, मतलब एक छत की तरह ही तो है, ओवर द अदर प्लांट्स टू द इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड अ कैनोपी, इसको कैनोपी कहते हैं, यानी कि अगर एक छोटा पेड़ है उसके ऊपर एक बड़ा पेड़ है, तो जो बड़े पेड़ का वो ब्रांचेस हैं वो छोटे पेड़ के ऊपर एक रूफ की तरह, एक छत की तरह ही तो है, इसे क्या कहते हैं, ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड अ कैनोपी। अब आपको एक एक्टिविटी 17.2 में क्या करना है, विजिट अ फॉरेस्ट ऑन अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, और आपको ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई करना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑफ ट्रीज, आप हेल्प भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ही को ऑब्जर्व करना है, अपने बड़े से किसी से आप ले सकते हो। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व, और आपको लिस्ट बनाना है कि किस किस तरह का आप पेड़ को देखें, सच एज हाइट, शेप, और आपको लीव देखना है, शेप देखना है, क्राउन देखना है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और आपको क्या करना है, ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन ऑफ सम ट्रीज, आपको अभी मैंने बताया ना कुछ ट्रायंगुलर होंगे, कुछ सर्कुलर होंगे, तो आपको इसका स्केच भी बनाना है आपको। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन ऑफ अ डिफरेंट टाइप एंड साइज, अभी मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और साइजेस होते हैं, दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ इन द फॉरेस्ट, डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर बना देते हैं ये फॉरेस्ट में, दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज, अभी हम देखेंगे कैसे अंडर स्टोरीज होते हैं ये, जाइंट्स एंड टॉल ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट द टॉप लेयर फॉलोड बाई शॉप्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्म द लोअर लोएस्ट टाइप लेयर, आप अभी देखो ना क्या मतलब कि पहले घास होगा उसके ऊपर कोई और बड़ा पेड़ होगा फिर उसके ऊपर कोई और बड़ा पेड़ होगा, ऐसे ही मतलब लेयर बाई लेयर, तो वो हॉरिजॉन्टल लेयर बना देते हैं फॉरेस्ट में। इस एक्टिविटी में आपको देखो गम, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं आपको उसमें लिखना है। अब जैसे मेडिसिनल में नीम लिखा हुआ है, ऑयल में सैंडलवुड लिखा हुआ है, सैंडलवुड लिखा हुआ है, गम में आपको बैम्बू लिखा हुआ है, टिम्बर यानी पेड़ वाले में आपको क्या शीशम लिखा हुआ है,
जहाँ से हमें लकड़ी वकड़ी मिलती है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, और अगर आप लोगों से ये इस एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूँगी। अब हम आगे देखते हैं कि ये देखो कैनोपी एंड अंडर स्टोरी के बारे में। देखो ये छोटा पेड़ है, उसके ऊपर ये बड़ा पेड़ है, ये रूफ़ का काम कर रहा है, तो यही है ना अंडर स्टोरी एंड कैनोपी, इसे ही कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, क्या हम ऐसे ही तरह के प्लांट जो होते हैं हर जगह पे देखते हैं? तो बुझो पूछता है, तो प्रोफेसर अहमद क्या कहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशंस इन टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। और प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर जगह पे एक ही जैसे पौधे और प्लांट आपको दिखेंगे, वो जो हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे और ये जगह टू जगह डिपेंड करेगा, और ऐसा है कि फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट एनिमल भी डिपेंड करते हैं। जैसे देखो गिर नेशनल पार्क अभी हमने बताया, वहाँ पे एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है वो। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप लोग एक दो नेशनल पार्क के बारे में भी जानो, और डिफरेंट कंडीशन, अब जैसे राजस्थान में क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा होगा, वहाँ पे जो ऐसे प्लांट्स होंगे जिसमें वाटर बहुत कम लगता हो क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, और अभी आप इधर ईस्ट में आ जाओगे तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स होंगे जिसको पानी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो फिर ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, बहुत बटरफ्लाई तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर टू शर्ब्स एंड हर्ब्स, और इधर उधर पे जो तितलियाँ उड़ रही थी, दे हैड अ क्लोज लुक एट द बशेज वाइल डूइंग दैट, देयर हेयर एंड क्लॉथ्स हैड सीड्स एंड थ्रोन्स क्लाइंबिंग टू देम। मतलब बटरफ्लाइज वाकई बहुत अच्छी होती हैं, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा। और वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी थे, स्पाइडर थे, स्क्वायरल, आंट, वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, ट्रीज़ के बार पे, मतलब ट्रीज़ के ऊपर बगल में, मतलब जड़ों के पास कितने सारे छोटे छोटे ऐसे स्क्वायरल आंट ऐसे ये सब रहते हैं। प्लांट लीव एंड प्लांट लीव्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन की बॉडी से वेस्ट निकलता है वैसे प्लांट भी अपने वेस्ट को निकालते हैं। प्लांट्स लीव एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लो, अब जब प्लांट अपना वेस्ट निकालेगा यानी कि जो उसकी पत्ती सूख जाएगी वो ज़मीन पे गिरेगी, तो ये क्या होते हैं, दे स्टार्टेड, वो क्या होते हैं, प्लांट के जो लीव होते हैं वो जब ज़मीन पे गिरते हैं और वो डिके हो जाते हैं। अभी हम कंपोजर डिकम्पोजर ये सारी चीज़ें देखेंगे यानी कि खाद वाद के बारे में आके। तो वो डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, तो वो जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, अभी मैंने बताया कि प्रोफेसर अहमद कैसे बता रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन मिलने पे वो जो सीड्स गिरती हैं तो उनको यानी कि पानी मिल जाए और सनलाइट मिल जाए और उनको खाद भी मिल जाए साथ ही साथ। अब ये जो पत्ते गिर रहे हैं, डिकेइंग हो रहे हैं अर्थ पे, मतलब उस फॉरेस्ट फ्लोर पे, वहाँ पे ये खाद बन रहे हैं, तो ये जो और प्लांट नए सीड जो गिर रहे हैं ज़मीन पे उनकी ग्रो में ये बहुत हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही लिंक होती है एक दूसरे से चीज़ें। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रीचर्स, और बच्चे मतलब स्केच बनाने लगे। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। अब ये मैंने अभी एक्सप्लेन ही कर दिया आपको कि कैसे डेड एंड डिकेइंग लीव, मतलब पत्तियाँ गिरी हैं वहीं पे, कुछ छोटे छोटे मोटे ब्रांचेस भी गिर जाते हैं, और बहुत बारी एनिमल्स भी अगर वहाँ पे जंगल में मरे हैं एनिमल्स, वो भी धीरे धीरे डिके हो जाते हैं मिट्टी से मिलकर, वो भी खाद बन जाते हैं। फ्रूट्स हो गया, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स, द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वॉर्म। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन, बच्चे जो है बहुत सारा कलेक्शन के लिए अपने उठाते भी हैं। वॉकिंग ओवर द डेड लीव्स लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉनी कारपेट। इज दिस डिकेइंग मैटर ऑलवेज वॉर्म, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो ये डिकेइंग मैटर होते हैं क्या ये हमेशा गर्म ही होते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं चिल्ड्रन को कि उन्हें चिल्ड्रन को एक एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो आज यहीं तक करते हैं गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट में आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।